कोरोना वायरस का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है और पहले वाले वायरस से भी शक्तिशाली है, लेकिन इस दूसरे चरण के वायरस से भी घातक यूके का वायरस बताया जा रहा है, जो कि सोलन की एक डॉक्टर में पाया गया है, जिसके बाद सोलन में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कल सोलन में दर्जनों मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं, इसे भी यूके स्ट्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल चिकित्सक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वह चौकन्ने रहें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक नियमों का पालन अवश्य करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सक मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि सोलन में अभी तक 7873 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से अभी तक 673 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें से 656 संक्रमित रोगियों को घर में ही आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि सोलन में यूके के नए कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, जो पहले के वायरस से काफी खतरनाक है। उन्होंने लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए अपील की है। विदित हुआ है कि जो ये यूके का नया स्ट्रेन है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई है। तो ये जो है वो इसमें संक्रमण की दर काफी ज्यादा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जल्दी से जल्दी संक्रमित कर सकता है। तो लोगों से मेरी अपील यही रहेगी कि कोविड के प्रोटोकॉल्स जो है, मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार धोते रहें और 6 फुट की दूरी बना के रखें। ये जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, इनको बहुत ही एहतियात के तौर पर इसको ध्यान में लाने की आवश्यकता है, तभी हम अपने आप को कोरोना होने से रोक सकेंगे। हाँ, ये संभावना हो भी सकती है कि ये यूके के स्ट्रेन हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कल संक्रमित पाए गए हैं। हमारे सोलन जिले में 169 पॉजिटिव केसेस आए हैं कल ही कल में, तो ये संभावना एक हो सकती है कि ये यूके का स्ट्रेन भी हो सकता है। हाँ, मैं लोगों से अपील अवश्य करना चाहूँगी कि जब तक वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इस स्प्रेड को और फैलने से नहीं रोक पाएंगे। तो लोगों से मेरी अपील है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। जैसे कि कल पोलिंग भी है यहाँ पर, तो थोड़ा लोग एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, लाइन में भी रहें तो थोड़ा दूर दूर लाइन में रहें वोटिंग के लिए भी, और मास्क को नाक में और मुंह पर पूरी तरह से कवर करके रखें। ये नहीं है कि मास्क लगा लिया, थोड़ी के नीचे है मास्क, ऐसा ना हो, इस बात का वो अवश्य ध्यान रखें। सैनिटाइजर लेके जाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें या फिर अपने साबुन से हाथों को धोते रहें। और अगर हम अभी देखें तो 673 जो है वो हमारे टोटल एक्टिव केसेस हैं कल की जो गणना के अनुसार, और जिसमें से 656 केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में हैं। तो अभी तक टोटल जो है वो 7873 केसेस हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 7125 क्योर हो चुके हैं। तो और अभी हमारे पास 673 जो है वो एक्टिव केस के रूप में है। जी, हम डेली जो है वो डोजियर बनता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, तो जो हमारे ये केसेस है काफ़ी ज़्यादा 200 से 300 जो है हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट आ चुके हैं और लगातार कॉन्टैक्ट आते जा रहे हैं।